राजा बोलिया सुन रानी मत मेरी बात ने टालिए और ले जा तेरे साथ मैं मेरे लाल ने पाड़िए वो गंगा बेटे और सुंदर शान देख लड़के की जो गंगा के मन चलती चलती गंगा जी फिर गंगा तट में आई और बेटे का करे पालन पोषण ये लिखी लेख में ठागी। सजनों बच्चे का पालन पोषण करती है अच्छा अच्छा दो दो ग्यारह बड़ा बड़ा सुनिए दोबारा से नौ दो ग्यारह सजनों जब से रानी गई महल से राजा राज काज में टूट गया कुछ याद पुरा सब बताने भूल गया। एक रोज शांतनु के मन आवन लग्या विचार और घोड़े पे सवार होके चला वो करने आज शिकार करने उसी जगह आ गया जहां गंगा जी की धार बह रही थी। गंगा जी की धार को देख करके आज अचरज में हो गया पागल सा हो गया। क्यों? क्योंकि जहां गंगा बहा करती थी आज वहां एक भी जल की बूंद सजनो देख नजारा राजा ने आख लई बूंद क्योंकि जहां गंग बया करती वहां कोन्या जल की बूंद राजा देखन लाग्या ध्यान से एक लड़का खेले गंगा तट पे तीर और कमान से। राजा कहता है कौन कौन तू कौन मने तेरा नाम तो बता और इस बियाबान में घूमन का तेरा काम तो। सजनो राजा उस लड़के से क्या कहता है नौ दो ग्यारह में सुनो। दारा
बहुत बड़ा बलकार पता कहे सारा ओ और ऐसा छतरी मिलता नहीं Thank you.
राजा बोला तुझे तेरे पिता का नहीं पता, जब तुझे तेरे पिता का नहीं पता तो तू कैसा क्षत्रिय है। जब तेरे पिता का पता नहीं तो पतिव्रता तेरी मात को ना, यो तो मैं भी जान गया तू क्षत्रिय की, और ये तो मैं भी जान गया बेटे तू क्षत्रिय की। जात जमात नहीं है, क्योंकि जात औरत की नहीं मर्द की होती है, और तू पिता को जानता नहीं। और मैं कह रहा तन सही सही मेरे बिल्कुल पक्ष बात को ना, तेरा तन सही सही मेरे शान पड़ी शान दे।
शिकार खेलने आया, एक धीवर की कन्या देखी, वो मन ही मन मुस्काया, और धीवर की कन्या के संग में शादी करना चाहा। आकर के शांतनु बात बेटे ने बताया, अब देवव्रत ले घोड़ा दौड़ा धीवर के धोरे आया, बाप के बा में बनया बिचोला, बाप का ब्याह करवाया, और भीषम प्रतिज्ञा करी वो भीषम जी कहलाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मेरा गांव ततारपुर चौराहे के पास में बेरोज गांव है, बेरोज, और हमारा YouTube पे चैनल है एल के भजन के नाम से। अच्छे अच्छे धार्मिक कथाएं सुनिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, इसी में नंबर वंबर सब कुछ है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।